दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। संजय सिंह ने प्रेस वार्ता कर कहा कि जेल प्रशासन द्वारा प्राप्त मेडिकल रिपोर्ट से ये स्पष्ट है कि सीएम केजरीवाल का स्वास्थ्य खतरे में है। उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट की प्रतियां मीडिया के सामने पेश की और सीएम केजरीवाल के स्वास्थ्य की विस्तृत जानकारी मीडिया से साझा की। पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज की ये प्रेस वार्ता इस बात के लिए है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी देश की सरकार अरविंद केजरीवाल की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और आज कोई भी बात प्रमाण और तथ्य के परे नहीं, बल्कि सबूतों के साथ जो कागजात जेल की अथॉरिटीज ने कानूनी रूप से उपलब्ध कराए हैं अरविंद केजरीवाल जी के वकील को, उन कागजातों के आधार पर आपसे बात करेंगे। और यह मेडिकल रिपोर्ट बताने के लिए काफी है कि अरविंद केजरीवाल के साथ कोई भी अनहोनी घटना किसी भी दिन जेल के अंदर घटित हो सकती है। आपको याद होगा पहले इन लोगों ने क्या कहा, अरविंद केजरीवाल ज्यादा खा रहे हैं, पूरी खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, अपनी कैलोरी बढ़ा रहे हैं, अपना शुगर बढ़ा रहे हैं। फिर कोर्ट ने आदेश किया, एम्स के डॉक्टरों ने जांच करी, इंसुलिन शुरू हुई। अब क्या नई कहानी लेके आ रहे, अरविंद केजरीवाल खा ही नहीं रहे हैं, अरविंद केजरीवाल तो कुछ नहीं खा रहे, अरविंद केजरीवाल बिल्कुल भूखे रह रहे हैं, वो अपनी शुगर कम कर रहे हैं। आपने मजाक बना लिया है। और ये बात मैं तीन रिपोर्ट के आधार पर कहूंगा। पहली एक रिपोर्ट आती है जिसमें कहा जाता है अरविंद केजरीवाल को डायबिटीज, वेट लॉस, वीकनेस, हाइपोग्लिसीमिया, इसकी शिकायत है। यह पहली रिपोर्ट आती है। यह दूसरी रिपोर्ट आती है, यह मीडिया में जानबूझकर लीक की जाती है एलजी के ऑफिस के द्वारा। लेकिन इस रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है उनका वजन लगातार घट रहा है, एम्स के डॉक्टरों के पैनल ने उनको देखा है, इसमें लिखा हुआ है कि उनको हाइपोग्लिसीमिया की शिकायत है। फिर एक तीसरी रिपोर्ट दी जाती है हमारे मांगने पर, यानी कि अरविंद केजरीवाल जी के मांगने पर कहा जाता है भाई आप हमारे शुगर लेवल के बारे में विस्तृत जानकारी दीजिए, एक एक करके जानकारी दीजिए, क्योंकि हमारे पास जो शुगर नापने की मशीन है उसमें सब रिकॉर्ड होता है किस समय शुगर लेवल कितना हुआ, तो आप पूरी डिटेल मुझे दीजिए। फिर ये ग्राफ बनता है, ये ग्राफ बनता है, ये सारे ग्राफ आपको अवेलेबल करा दूंगा, अभी ये उपलब्ध करा दूंगा। ये ग्राफ बनते हैं और इसको डॉक्टर के द्वारा प्रमाणित किया जाता है, ये प्रमाणित किया जाता है साइन करके। अब ये क्या है ध्यान से सुनिएगा, अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल, और याद रखिएगा शुगर लेवल अगर 80 से 70 से कम हो जाए तो कोई भी व्यक्ति खतरनाक अवस्था में जा सकता है, उसके साथ कोई भी घटना घटित हो सकती है, और 50 से और 50 के नीचे तो कोई व्यक्ति कोमा में जा सकता है, उसकी जान जा सकती है। अब मैं आपको बता रहा हूं, ये वो तारीखें हैं जिन तारीखों पर अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल 50 उसके आसपास और 50 से कम रहा। इस ग्राफ और इस डाटा के आधार पर, इस रिपोर्ट के आधार पर कह रहा हूं, जो जेल के डॉक्टरों के द्वारा उनके वकील को उपलब्ध कराई गई है और जिसमें पूरी रीडिंग है कि कब उनका शुगर लेवल 50, 50 के आसपास और 50 से कम गया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि बार बार अरविंद केजरीवाल के सेहत को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर झूठी खबरें क्यों प्रचारित कर रहे हैं, और यही कारण है कि जब उनको लोअर कोर्ट से जमानत मिल गई तो बिना आदेश के कॉपी के ईडी ने
हाई कोर्ट से स्टे ले लिया और उसके बाद उनको सीबीआई का फर्जी मुकदमा बनाकर उनको जेल में रखा गया। क्यों जेल में रखा गया सीबीआई का फर्जी मुकदमा बनाकर? इसलिए कि अरविंद केजरीवाल की जीवन के साथ खिलवाड़ करना है। सारी रिपोर्ट चिल्ला चिल्ला कर ये बात कह रही है, ये सारी रिपोर्ट्स। राष्ट्र सर्वप्रथम